Hey viewer, my name is Parul and you are watching Mastery with Parul. If you are new, please subscribe my channel and press the bell icon right next to it. Friends, अब next topic आ जाता है cutting of DNA by using restriction endonuclease. हमें DNA तो मिल गया, अब उसकी cutting करनी पड़ेगी. खचिंग के लिए, खचिंग के लिए किस चीज़ की need है हमें? हमें चाहिए सीजर, मॉलिकुलर सीजर, जो कि हमने आपको बताया है वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ओके, अब इसकी डिस्कवरी 1963 में हुई. कब हुई? 1963 में हुई. ओके, और कैसे हमें पता चला कि भैया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है? जो ईकोलाई बैक्टीरिया था उसमें बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को ऐसा पाया गया, जैसे सपोज करो मैं इरेज कर दूंगी इसे, तो जैसे ये शीरीचिया कोलाई है. अब इसमें क्या है, देखा गया कि ये जो बैक्टीरियोफेज था ये हमला करने वाला था. बैक्टीरिया ईटर होते हैं ना, बैक्टीरियोफेज का मींस क्या है, बैक्टीरिया ईटर. अब ये तो सोच रहा भाई मैं तो मारा जाने वाला हूँ, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मैं तो मर जाऊँगा. बट ऐसा पाया गया कि कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज ही क्या हो गया, मर गया. एस्चेरिचिया कोलाई को कुछ नहीं हुआ. मीन्स ऐसा समझिए कि जो बैक्टीरियोफेज की जो ग्रोथ थी फ्रेंड्स, वो ही रुक गई. ठीक है ना, क्या बताया मैंने, 1963 में एस्चेरिचिया कोलाई में पता चला कि जो बैक्टीरियोफेज था वो अटैक करने के लिए आ रहा था, और ऐसा देखा गया कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ ही रुक गई. इसके दो काम थे. क्यों रुकी, अब ये जान लेते हैं क्यों रुकी. देखिए यहाँ दो प्रोसेस थे, दो एंजाइम प्रोसेस थे. पहला तो है अनदर एड मिथाइल ग्रुप. ऐसा देखा गया कि जो एस्चेरिचिया कोलाई था उसने बैक्टीरियोफेज के मुंह पे ना क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया. ठीक है ना, क्या ऐड कर दिया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुकी. दूसरा ऐसा पाया गया कि वन कट डीएनए, उसने क्या किया, डीएनए को ही कट कर दिया. ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स हैं. ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन एंड टूल होते हैं ना, कि इससे हम सही कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ टूल्स की नीड होती है ना. तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो जिसकी 1963 में इसकी डिस्कवरी की गई, एस्चेरिचिया कोलाई में बैक्टीरियोफेज अटैक करने वाला था, बट उसने कुछ अपने लिए सेल्फ डिफेंस में क्या किया, देखा गया कि उसने उसकी ग्रोथ को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया. अब उसके लिए दो प्रोसेस थे, दो तरीके से किया. क्या किया, पहले तो उसने मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया पहले तो. ठीक है ना, वहाँ पर देखा गया कि उसने बैक्टीरियोफेज पर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, और एक में डीएनए को कट कर दिया. ठीक है, और ये कट करना, ये जो कट हैं, जो काटा पीटी हो रही है, ये जो कट हैं, यही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है, कट करना. एक काटना ही तो है डीएनए को. ठीक है, तो उसने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी ऐसे निकल के आई. अब जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो क्या था, हिंद. सेकंड, हम हिंदी हैं, हिंदुस्तानी हैं भाई, है ना, हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो आप याद रखना हिंद सेकंड है. थोड़ा रिमूव हो गया है, ठीक है ना, स्कैन करने में लिख लो इसे साइड में, हिंद सेकंड है ये. क्लियर, हिंद सेकंड, यानी कैसे याद रखोगे, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या था, हिंद, जय हिंद सेकंड. ओके, आप देखो ये क्या काम करता है भाई, इसका काम है भाई काटने का काम है. किसको कट कर रहा है, ये डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर रहा है. इतनी बात समझ में आई. इसके बाद है, इसमें रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होते हैं, रिकॉग्नाइजेशन जिनको वो पहचानता है भाई कहाँ से कट करना है. ये जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होते हैं ये 6 बेस पेयर की फॉर्म में होते हैं. कितने याद रखने वाली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ध्यान रख लेना, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं कि क्या काम है इनका रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस का. ये 6 पेयर के बने हुए होते हैं और इन्हीं पे से ही कट करता है भाई. कहते हैं ना कहाँ से कट करना है, इन रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस से ही कट किया जाता है. इनको पहले पहचाना जाता है और फिर यहीं से कट किया जाता है. ठीक है ना, हाँ इतनी बात क्लियर है. अब इन जो सीक्वेंस हैं इनको क्या कहा जा रहा है, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. ये क्या है, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. अभी पढ़ाऊंगी इनके बारे में भी. तो देखो भाई ये सारा जो माजरा था ये 5 साल बाद जाकर पता चला. देख तो लिया गया, ठीक है ना, देख तो लिया गया भाई कुछ तो हुआ है इसमें, पर कोई भी इसे नहीं बता पाया.
तो 5 साल बाद पता चला कि ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम है। और अब तक जो है, उस टाइम तो कितने थे, एक स्टार्ट, तब एक से स्टार्टिंग हुई थी, और ये कितने हैं, 900 है। कितने हैं ये 900, अब तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की जा चुकी है। ओके, अब देखिए इसके लिए आइसोलेटेड फॉर्म ओवर 230 स्ट्रेन, कितनी आइसोलेटेड फॉर्म, कितने में से निकाला गया है, ये 230 स्ट्रेन में से अब तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ये टूल है, सारे प्रोसेस यानी डिजायर्ड जीन को आपको मैंने बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सेल वॉल रिमूव करते हैं, सेल वॉल रिमूव करने के बाद डीएनए को चिल्ड एथिल अल्कोहल में डालते हैं, ठीक है ना, इथेनॉल बोलते हैं उसे। केमिस्ट्री की कभी क्लास लूँगी तब समझाऊँगी कि इन्हें कैसे रीड करते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, जहाँ कॉमन पेपर होता है ना वहाँ आ जाते हैं। जैसे नीट की प्रिपरेशन कोई कर रहा है तो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है ये सब चीज़ें समझना। अभी हमारा फोकस पूरा टोटली बायोलॉजी पे है। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठिए और अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं, आपको कोई मात नहीं दे सकता, अपने ऊपर मेहनत कीजिए बस, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया, देखा 1963 शीरीचा कोलाई बैक्टीरियोफेज अटैक करने वाला था और बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ई कोलाई ने। तो ऐसा क्या हुआ भाई, टू वेज थे, एक में तो कैंची से कट किया और दूसरा क्या था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। अब इसी को जो कटिंग थी ना, इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा गया। जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई वो जय हिंद यानी कि हिंद सेकंड जो है फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और इसका काम ही है भाई कटिंग करना, ठीक है ना। अब रिकॉग्नाइजेशन जो सिक्वेंस है वो क्या होते हैं, 6 बेस पेयर के होते हैं, है ना, 6 बेस पेयर की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है, अभी पढ़ाऊँगी, 5 से 3 डैश और 3 से 5 डैश की फॉर्म में होता है। लेकिन बहुत दिनों बाद इसको, मतलब पता तो चल गया इसमें कुछ हुआ है, पर 5 ईयर बाद इसको पूरी तरह से डिस्कवरी की गई। अब देखिए अब तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की जा चुकी है, उन्हें आइसोलेट किया गया 230 स्ट्रेन से। बैक्टीरिया की स्ट्रेन होती हैं कौन कौन सी, एक रफ स्ट्रेन, एक स्मूथ स्ट्रेन, आर है ना, आर स्ट्रेन और एस। ओके, हाँ काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं आज हमारी।